Hi, this is Khushbu with another question of arithmetic progressions. This is question number 20 of exercise 5.3, page number 114 from NCERT. It says, in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter away from the first potato. So, यहाँ पर एक bucket रखी हुई है. 5 meter दूर है उससे पहला potato जहाँ रखा है, 5 meter दूर है. And the other are placed 3 meter apart in a straight line. बाकी सारे पहला वाला 5 meter दूर है. दूसरा पहले वाले से 3 मीटर दूर है, लेकिन बकेट से देखो यहाँ पर अगर पहला पोटैटो रखा, ये डिस्टेंस 5 मीटर का है फर्स्ट पोटैटो का, लेकिन सेकंड पोटैटो से दूर है 3 मीटर की दूरी पे, इससे 3 मीटर की दूरी पे, लेकिन बकेट से टोटल हो गया 5 प्लस 3 मतलब 8 मीटर की दूरी. सेम वे से अगले वाला इससे 3 मीटर दूर है, लेकिन बकेट से यहाँ तक 8 मीटर का डिस्टेंस था, प्लस 3 अगर ये भी आ गया तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 11 मीटर. तो इस तरह से बढ़ता जाता है, 10 पोटैटोज इन द लाइन, टोटल ऐसे करते करते 10 पोटैटोज हैं. अ कंपेटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन बैक विद इट टू ड्रॉप इट इन द बकेट एंड रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट वन एंड रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट. तो क्या करना है यहाँ पर, पहले वो यहाँ से भागेगी, पहला पोटैटो पिक करेगी, उसको वापस यहाँ रखने आएगी, फिर यहाँ से फिर भागेगी, 1 मीटर की दूरी तक आएगी, उसको वापस इधर डालने जाएगी. तो जब वो यहाँ से पहले इधर जाती है, लेट्स सपोज यहाँ बकेट रखी है, पहले वो यहाँ से यहाँ आती है पोटेटो उठाती है, वापस वहां जाके उसको डालती है, फिर वहां से और आगे जाती है वापस, तो हर बार ही डिस्टेंस डबल हो रहा है. सो यहाँ पर माय फर्स्ट टर्म एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म होती है 5, क्योंकि पहली बारी वो गई तो 5 मीटर की दूरी पे था, अगली बारी वाला पोटेटो 8 मीटर की दूरी पे, क्योंकि हर बारी 3 मीटर प्लस हो रहा है, तो अगली बारी 8 प्लस 3 मतलब 11 प्लस 3 इज 14. ऐसे करते करते ये चल रहा है, 10 पोटैटो रखे हुए हैं तो मतलब 10 बार होगा ये. तो यहाँ से हमारे पास हमारी फर्स्ट टर्म आ गई है 5, कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1, दैट मींस 8 माइनस 5 मींस 3, और हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ पोटैटो मींस n दिया हुआ है 10. तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, सो हमें S10 निकालना है, टोटल जब आता मतलब सम निकालना है. सो S10 का फॉर्मूला होता है n by 2 bracket में 2a plus n minus 1b. तो 10 potatoes थे तो 10 terms है ये, तो 10 by 2, 2a means 2 into 5 plus 10 minus 1b is 3. So 2 ones are 2 fives are. So I have 5, 2 into 5 is 10 plus 9 into 3. So 5 bracket में 10 plus 27. 37 into 5. This is 175. I mean 185. This is 185. So 185 सेंटीमीटर को हमने ये बता दिया कि वो कितना कर रही है, बट लेकिन यहां पर जब वो जाने में सिर्फ जाने जाने का काउंट किया है, उसको वापस भी आना है वैसे ही, तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा. टोटल डिस्टेंस हमारे पास आएगा 2 into 185. क्योंकि पहली बारी में जब उसने 5 मीटर किया, अगली बारी पे 1 किया, फिर ऐसे ऐसे करके डिस्टेंस बढ़ रहा है. जब इसका ट्वाइस करोगे, ये आपके पास कहाँ आया 10 टर्म्स का लेकर, क्योंकि ऐसे करते करते 10 पोटैटोज रखे हुए थे एक लाइन में, और उसको वापस भी जाना है. जब इसका ट्वाइस करा तो हमारे पास आ गया यहां से 370 मीटर्स. तो वो डिस्टेंस कवर करेगी 370 मीटर्स का. दिस इज हाउ, क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए ध्यान से देखो ये चीज कि पहले इसका पोटैटो जब यहाँ रखा था, फिर यहाँ से यहाँ आना है उसको, फिर यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, और फिर वापस जाने का डिस्टेंस भी काउंट करना है, तो हमने इसको ट्वाइस कर दिया. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3. ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज डू राइट टू अस एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. Goodbye.